Good morning students, in this video we are going to learn the next chapter, second chapter of your 8th class geography, interior of the earth of Maharashtra State Board new syllabus. As a name of the chapter, interior of the earth, whenever you are starting the any chapter to for study, you must go through the name of the chapter. The chapter consists what the name is that, right? So interior means inside the earth. आप इस जमीन पर जिस अर्थ पर रहते हो उसके नीचे क्या है, इंटीरियर उसके अंदर क्या है, राइट? सो दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट्स रिकॉल, इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द रॉक्स टाइप्स, रॉक्स, व्हाट आर रॉक्स, वोल्केनोस, अर्थक्वेक कैसे होता है, एक्सेट्रा. नाउ देयर आर द सम क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा आगे चल के. सो इस वीडियो को आप पूरा देखिए. इन दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली कवर एवरी आस्पेक्ट एंड आई विल क्लियर योर एवरी doubts and clear your concept about the interior of the earth. That will not only help you in this 8th standard geography for this chapter, but also it will definitely help you in the 9th standard geography second chapter, endogenetic moment. तो आपको ये chapter जो link है 9th standard में भी second एक chapter है इससे related, endogenetic moment, उसमें भी आपको help करेगा. तो इस video को आप पूरा देखिए और इस video को like करना और हमारे चैनल को पहले सबसे पहले बोलूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हम जब भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी क्लास की एट क्लास की अपलोड करेगी हमारे चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड लाइक अवर वीडियो ऑल्सो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो. शेयर टू दोज यूर फ्रेंड्स, दोज हु आर लिविंग इन एनी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. सो यू आर लुकिंग द इमेज ऑफ बॉइलिंग मिल्क. At your home, daily your mummy boil a milk, है ना? जैसे ही दूध वाला दूध देके जाता है तो दूध को गर्म किया जाता है. After boiling that milk, हम switch off कर देते हैं gas regulator. उसके बाद आप you can observe that the milk, there is a creamy layer upper surface of the milk के, वो सबसे जो ऊपर है milk के, एक creamy layer जमती है, right? और जब आप सुबह देखते हो तो बहुत ही ठंडी हो जाती है. That density of that cream is done. डेंस, ज़्यादा गाढ़ी में मलाई हो जाती है, जिसको हम मलाई कहते हैं हिंदी में, राइट? बट व्हेन दिस मिल्क बॉइल, जब ये मिल्क बॉइल होगा और क्रीम लेयर बन जाएगी, यू कैन आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन टच दिस लेयर. आप इसे टच करके देख सकते हो. द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज लोअर देन वट आर वट एवर द टेम्परेचर इन साइड द लेयर. मतलब जो दूध आप इस लेयर के नीचे जो है दूध रहेगा, मिल्क रहेगा, तो दैट टेम्परेचर ऑफ द मिल्क इज वेरी हाई. उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा जबकि क्रीम का टेम्परेचर बहुत कम रहेगा. सिमिलर इन सिमिलर मैनर हमारी अर्थ का भी यही एक कंडीशन है, एक यही सिनेरियो है कि हमारा जो अर्थ है, अवर अर्थ वॉज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. इनिशियली द अर्थ वॉज इन अ गैसियस स्टेट लाइक. तो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, राइट, तो वो गैसियस स्टेट में था, लेकिन वो धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होता गया, धीरे धीरे ठंडा होता गया, तो क्या हो गया, जो फर्स्ट इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कूल फर्स्ट. जैसे कि क्रीम लेयर, दूध की ऊपर की जो सतह रहती है, सरफेस रहती है, दैट कूल फर्स्ट. तो सिमिलरली आउटर सरफेस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जैसे क्रीम बन गई, एंड इनर लेयर लिक्विड में ही थी, मिल्क एंड इनर लेयर. तो इसी तरीके से अर्थ भी है, जिसका आउटर सरफेस सॉलिड में है, लेकिन जो इनर सरफेस है, और जितना हम इनर में जाएंगे, जितना गहराई डीप जाएंगे हम अर्थ के, उतना टेम्परेचर हाई रहेगा. नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ द अर्थ. दिस इमेज इज ऑल्सो यू कैन फाउंड ऑन योर टेक्स्ट बुक. सो ये अपर सरफेस ऑफ अर्थ है, राइट? यहाँ पे वाटर है 71% एंड 29% अर्थ लैंड सरफेस है. द क्रस्ट इज सबसे जो आउटर सरफेस है जो रहता है अर्थ का, राइट, जिस पे हम रह रहे हैं. द लिविंग क्रिएचर्स आर लिविंग स्पेंडिंग देयर लाइफ, जब जिस पे हम जिंदगी हमारी गुजार रहे हैं, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट. तो ये सबसे पहले बता दूं कि आउटर सरफेस से लेके जिस सतह पर, जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं, वहां से लेके जो लास्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है, वो टोटल डिस्टेंस कितना है पता है आपको? 6000, यू कैन सी 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर. अंडरस्टैंड? मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट यहाँ से लेके यूरोप, इंग्लैंड तक का जो भी डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस अर्थ का है, आउटर सरफेस टू इनर सरफेस. अब अर्थ इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स.
द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू थ्री. आउटर सर्फेस इज नोन एज क्रस्ट, राइट? यू कैन सी हियर आउटर सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट. देन उसके नीचे का पार्ट मेंटल, देन सबसे जो आखिरी पार्ट है कोर है. लेकिन सबसे छोटा पार्ट जो है क्रस्ट है, उससे बड़ा मेंटल है, और सबसे बड़ा पार्ट है कोर. देन क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, मेंटल इज अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एंड कोर इज आउटर कोर एंड इनर कोर. अब आ जाते हैं ये, यहाँ से देखिए सरफेस से लेकर 30 किलोमीटर तक के जो है ना, यहाँ पर क्रस्ट है. और फिर ऊपर ऊपरी सरफेस मतलब सरफेस से लेके 100 किलोमीटर तक के, यानी क्रस्ट प्लस अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज नोन एज लिथोस्फीयर. लिथो मीन्स सॉइल, राइट? क्योंकि ये पोर्शन लाइक सॉइल यू कैन फाउंड सिलिका, हमको सिलिका मिलेगा, यानी जिसको हम रेत बोलते हैं वो मिलेगा. तो दैट्स वाई इट इज नोन एज लिथोस्फीयर. मोस्टली सॉलिड मटेरियल इज प्रेजेंट. लेकिन हम ये दो चीज़ है कि सबसे जो छोटा पार्ट है क्रस्ट 30 किलोमीटर कवर कर रहा है. फिर मेंटल जो है, मेंटल का आप डिस्टेंस देख सकते हो 2870 किलोमीटर, राइट? और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है कोर का, यू कैन फाइंड हियर 3471 किलोमीटर, 3471 किलोमीटर. अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बता दूँ कि जितना हम ऊपर से ऊपर, हमारे इतने हॉट सरफेस नहीं है, राइट? गर्मियों में हमको फील होता है. जितना हम डीपली इनसाइड द अर्थ जाएंगे, राइट, जितना हम नीचे जाएंगे तो उतना टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, राइट? टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यू कैन सी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एट द कोर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज अराउंड 5500 to 6000 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड? वी कैन लिव, गर्मियों में हमारा वी कैन लिव मोर देन 45 टेम्परेचर हो जाता है, देन वी एग्जॉस्ट, हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं गर्मियों से. गर्मी से जब 45 to 44 तक होता है तो, एंड वाटर इज बॉइलिंग एट द, एनी लिक्विड इज बॉइलिंग एट द 100 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ 6000 डिग्री सेल्सियस कितनी गर्मी होती होगी, राइट? तो जितना हम इनसाइड जाएंगे तो ये उतनी गर्मी, उतना हीट प्रोड्यूस होते रहती है. तो इससे क्या रहता है कि जो भी मटेरियल है, तो प्रेशर और हीट से बहुत सारे जो इनसाइड में एलिमेंट्स हैं और जो भी मेटल्स है, लाइक ये एलिमेंट्स देख सकते हो, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस मीन्स आयरन, लोहा, तो ये मटेरियल्स मिलके अपर सरफेस तेजी से ऊपर आते हैं, राइट? तो तेजी से ऊपर आते हैं. यू हर्ड अबाउट वोल्केनोज? तो जो मटेरियल जो तेजी से ये दैट मोल्टेन मैग्मा की कंडीशन में, इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन मैग्मा, दे कम आउट ऑफ द आउटर सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो दिस इज कॉल्ड द वोल्केनोज. वोल्केनोज क्या है? वोल्केनोज इज एन ओपनिंग इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आउट ऑफ विच मोल्टेड रॉक्स एंड गैसेस एक्सप्लोड, राइट? तो ये जब आउटर सर्फेस पे आ जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, दे कन्वर्टेड इंटू रॉक्स. रॉक्स मतलब मिट्टी, और जमीन में बन जाते हैं. और बिसाल्ट, हमारे जो महाराष्ट्र का जो हमारा जो महाराष्ट्र है वो डेक्कन प्लेटो से बना हुआ है, और डेक्कन प्लेटो में मोस्टली बिसाल्ट रॉक मिलता है. बिसाल्ट रॉक इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, जो कि एक बहुत जमानों पहले, हजारों साल पहले, तब जो हमारा सरफेस है डेक्कन प्लेटो है, ये वोल्केनिक इरप्शन से बना है, राइट? इसी तरीके से आज भी दुनिया में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है, जहाँ पे मतलब वोल्केनो अभी जनरली जहाँ पर हो रहा है एट प्रेजेंट, तो पहाड़ी इलाकों पे, माउंटेन्स पे होता है. हमारे इंडिया में बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड, हमारे आइलैंड मतलब वो हिस्सा, वो ज़मीनी हिस्सा, अर्थ लैंड, अर्थ पार्ट, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, है ना, उसको बोलते हैं आइलैंड या जजीरा. सो बैरन आइलैंड इज़ अ एक्टिव वोल्केनो. ये साफ पिक्चर आप देख सकते हो, दैट इज़ अ बैरन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट? अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर बैरन आइलैंड है, जहाँ पर एक वोल्केनिक इरप्शन होता है बैरन आइलैंड से. इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो वोल्केनिक इरप्शन होता है फुजी आइलैंड, जो कि जापान में है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पर होता है, वहाँ पर एक इंडिकेटर भी है कि वहाँ पर जलजले, यानी कि अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते रहते. अब मैंने बताया हूँ कोर इज ग्रेटर देन मेंटल इज ग्रेटर देन क्रस्ट, राइट? कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मेंटल से, मेंटल का टेम्परेचर ज़्यादा है क्रस्ट से. इसी तरीके से कोर का लेंथ मतलब डिस्टेंस, साइज भी बड़ा है मेंटल से, और मेंटल का साइज बड़ा है क्रस्ट से. सबसे ज़्यादा, यानी कि वी कैन से द टोटल जो
6300 जो भी 71 किलोमीटर मैंने बताया था, मोर देन 6000 किलोमीटर, तो मोर देन 6000 में से 50 मोर देन 55% कोर का लेंथ है, देन मेंटल का आई थिंक 30% एंड रिमेनिंग 10-15% क्रस्ट का है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द अपर सरफेस 0-100 किलोमीटर ये पूरा आ जाएगा एस्थिनो, है ना, लिथोस्फीयर। उसके बाद यहाँ पर एस्थिनोस्फीयर क्यों लिखा गया है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द एस्थिनो मीन्स वीक, राइट, इसका मीनिंग आप नोट कर लो, एस्थिनो मीन्स वीक। ये अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल जो है ना वो लिक्विड स्टेट में है, इसलिए जो वोल्केनिक इरप्शन होता है इसलिए तेजी से यहाँ से आसानी से हो जाता है। तो इसको लो, ये जो सरफेस है बहुत ही वीक है, तो ये जो मोल्टेन मैग्मा रहता है वो तेजी से उसको चीरता हुआ, दैट क्रैक को मारता हुआ, स्लाइड करता हुआ अपर सरफेस पे आ जाता है और वोल्केनिक इरप्शन होता है, राइट। यू कैन सी द क्रस्ट, द अपर पोर्स मेंटल दिस और येलो पार्ट एंड कोर इज द inside red part and the inner core inside part. Further we will अब one more चीज़ अब आपको बता दूँ कि सिलिका दो अपर पार्ट में जो एलिमेंट्स फाउंड इन द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर, राइट, जो डेंसिटी है, राइट, सिलिका जो है ना सबसे ज़्यादा मिलेगी अपर पार्ट क्रस्ट में। सिलिका मीन्स हमारी जो रेत रहती है कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होती है, देन उसके बाद एलुमिनियम मिलेगा, देन मैग्नीशियम, निकल और फेरस। डेंसिटी बहुत गहराई में हाई, नीचे जो मिलेगा आयरन मिलेगा, राइट, निकल एंड आयरन नीचे मेंटल में और सबसे ज़्यादा कोर में मिलेगा, सबसे ज़्यादा ये इनर कोर में मेंटल और आउटर कोर में मेंटल, निकल एंड फेरस आयरन बहुत रहता है। इसके लिए इसको नाइफ भी बोलते हैं, नाइफ, नाइफ स्टैंड फॉर द निकल एंड फेरस स्टैंड फॉर आयरन। अब एक क्वेश्चन कम आ सकता है कि ये डिस्टेंस, किसी ने तो कोई अर्थ को डिग करके अर्थ का डिस्टेंस 6370 किलोमीटर है एक सरफेस से लेके एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, तो वी कैन डिग द होल एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक कि हम होल कर सकते हैं क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आज तक किसी ने किया नहीं है। तो फिर ये सब पता है, ये डिस्टेंस कैसे पता चला, ये इतने लेयर्स है, ये सब साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चले, राइट। सो दिस दैट यूनिवर्सली बिलीव दैट द अर्थ वॉज फॉर्म आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। सबसे पहले तो ये अर्थ वॉज अ गैसियस हॉट बलून एंड इट कूल डाउन, इट इज रोटेटेड अराउंड इट सेल्फ एंड द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टू प्लेस फ्रॉम अ आउटर सर्फेस टूअर्ड द अर्थ सर्फेस। इसके अलावा जो सिस्मिक व्यूज, जो इनर्जी जैसे वोल्केनिक इरप्शन से पता चला, एज वेल एज दैट लॉट ऑफ व्यूज अर्थ को एक जिस लोकेशन पे हो रहा है, राइट, आप देखते हो कि इफ यू ऑब्जर्व दैट द पूरा मैप ऑफ वर्ल्ड का पूरा मैप रखो, अर्थ का मैप रख के सामने रखो और नोट करो कि ज़्यादातर जो भी अर्थ क्वेक आते हैं वो वही उसी लोकेशन पे आते हैं, माउंटेन्स रीजन पर और प्लेट टेक्टोनिक रीजन पे। यानी जो अर्थ क्वेक क्यों आ रहा है कि अर्थ मूवमेंट जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक, जब प्लेट मर्ज और कोलाइड होती है, हमारे इनसाइड क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स है वो कोलाइड होती है, जितनी ज़्यादा जहाँ पे कोलाइड हो रही है तो वहीं पर अर्थ क्वेक आता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड के करीब और ज़्यादातर जापान में मोस्टली फ्रिक्वेंटली अर्थ क्वेक आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो माउंटेन्स है, वो आइलैंड है, उसकी जो प्लेट टेक्टोनिक में बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है अक्सर। अब आ जाते हैं क्रस्ट, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि 32 अपर सरफेस से नीचे गहराई तक डीपली 30-35 किलोमीटर रहती है, 30-35 किलोमीटर गहराई तक रहती है। अब इस पर ज़्यादातर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा तो उसमें क्या मिलेगा, देन क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, राइट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को साइल भी बोलते हैं, साइल क्यों बोलते हैं, बिकॉज द एलिमेंट सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम इज मोस्टली फाउंड, वाइल ओशियनिक क्रस्ट को सीमा बोलते हैं, सीमा यहाँ पे दिखा होगा, देखिए लुक एट द सीमा, बिकॉज इन द ओशियनिक क्रस्ट दैट द एलिमेंट्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम फाउंड एंड ओशिया कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल द वर्ड कॉन्टिनेंटल मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है, रिलेटेड टू अर्थ सॉलिड सर्फेस। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है ये अबो द वाटर सरफेस रह रहा है, अंडरस्टैंड, और ओशियनिक क्रस्ट जो है बिलो द वाटर सरफेस है, तो दैट्स व्हाई इट इज ओशियनिक क्रस्ट। अब देख लिए कम है तो कम टू द मेंटल, मेंटल इज द सेकेंड पार्ट्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। तो मेंटल का जो अपर पोर्शन रहता है, अपर पोर्शन एंड द बिलो पोर्शन, लोअर पोर्शन, तो अपर पोर्शन लिक्विड स्टेट में होता है और फ्रॉम दैट पोर्शन द मैग्मा, मैग्मा क्या है, मैग्मा इज अ मोल्टेन, जो हॉट, अब ये जो भी
प्रेशर और हीट से मटेरियल जो भी एलिमेंट्स है वो तेजी से गर्म होके आउटर सरफेस पे आते हैं, राइट, क्रस्ट सरफेस पे आते हैं तेजी से। तो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो ऐसे बनता है। तो जब सरफेस पे आ जाता है तो मैग्मा रहता है। मैग्मा मीन्स यू कैन सी द मैग्मा मीन्स लावा, जलता हुआ कोयला, अंडरस्टैंड। इट इज थ्रू दिस चैम्बर्स, तो आउटर सर्फेस ऑफ मेंटल से ही ये मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू आते हैं सर क्रस्ट की अपर सर्फेस पर। एंड दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थिनो स्फीयर, एस्थिनो की मीनिंग बता दिया वीक, क्योंकि या और यहीं पर एपी सेंटर ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक भी होता है, क्योंकि जो भी इंटरनल मूवमेंट हो रही है। अब ये बात आता है कि अर्थक्वेक आता क्यों है, राइट, इसमें क्वेश्चन है कि आपके स्टार्टिंग में व्हाट इज अर्थक्वेक एंड व्हाई द अर्थक्वेक ऑकर्ड। अर्थक्वेक इज ऑकर बिकॉज द कोलिजन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक इनसाइड द क्रस्ट, राइट। और ये कोलिजन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डी टू जितना हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस एंड दिस हीट प्रोड्यूस फर्दर एक्सेलरेट द वेव्स, जनरेट द वेव्स, दैट वेव्स ट्रैवल टू द अपर सर्फेस एंड दैट दैट्स वाई वेव्स के जरिए वो प्लेट टेक्टोनिक कोलाइड हो रही है, उसमें टूट फूट हो रहा है, तो अर्थक्वेक ऑकर हो रहा है। अब बिफोर गोइंग टू कोर आई विल से अबाउट समथिंग अबाउट द व्यूज, सिस्मिक व्यूज। द वर्ड सिस्मिक, एस ई आई एस एम आई सी के एम आई सी, सिस्मिक, सिस्मिक रिलेटेड टू अर्थक्वेक, दैट दिस वेव्स प्राइमरी व्यूज। यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 13 पे लिखा हुआ है प्राइमरी व्यूज एंड सेकेंडरी व्यूज। अब जो आउटर सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैं बता दूँ, यू कैन सी द आउटर सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द कोर। कोर स्टार्ट फ्रॉम 2900 किलोमीटर टिल द 3000, टोटल डिस्टेंस कितना है 3471 आउट ऑफ 6371, यानी कि वी कैन से द 55-60% जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ का पोर्शन कोर है ना, 30% आई थिंक मेंटल एंड रिमेनिंग 10-15% वी कैन से क्रस्ट। सो जितना हम नीचे जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब क्या होता है द आउटर कोर, अब क्या है कि दैट आउटर कोर इज एन लिक्विड स्टेट। साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चला कि लिक्विड स्टेट में है, बिकॉज ऑफ दैट प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द एनी मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस कहीं से भी गुजर सकती है। प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स है क्या, पहले आप सुन लो। इट इंडिकेट दैट कि जहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, अगर प्राइमरी वेव्स आ रही है तो नॉर्मल अर्थक्वेक रहेगा या रहेगा भी नहीं, राइट। लेकिन अगर जिस सरफेस ऑफ अर्थ पर सेकेंडरी वेव्स आ गई, दैट इज द हाई चांस टू बी दैट अर्थक्वेक विल डेफिनेटली ऑकर ऑन दैट प्लेस, कि अर्थक्वेक उस जमीन पर उस सर्फेस पे आने वाला है अगर सेकेंडरी वेव्स आ गई तो, राइट। सो सेकेंडरी वेव्स, इसलिए सेकेंडरी वेव्स लिक्विड स्टेट से पास नहीं हो सकती, उसके लिए सॉलिड एरिया ही होना चाहिए। इसलिए मोस्टली एक इंडिकेशन है कि जहाँ भी अर्थक्वेक मोस्टली फ्रिक्वेंटली आते हैं, दैट रीजन हैविंग अपर पार्ट ऑफ द कोर इज नॉट, उस इलाके का अपर पार्ट सॉलिड में होगा। जहाँ पर लिक्विड में है तो वहाँ पर, जैसे हमारे महाराष्ट्र में, हमारे इंडिया में ज़्यादातर अर्थक्वेक नहीं आते हैं, तो मोस्टली पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पार्ट्स ऑफ द इंडिया हैविंग द अपर पार्ट ऑफ द कोर इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट। लेकिन जहाँ पर फ्रिक्वेंटली आ रहा है तो वहाँ पे सॉरी लिक्विड स्टेट में है मोस्टली पार्ट ऑफ इंडिया का, लेकिन जहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है वहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि सॉलिड स्टेट से सेकेंडरी व्यू आसानी से गुजर जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में लिक्विड स्टेट में है आउटर पार्ट ऑफ कोर, तो दैट्स वाई वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, क्योंकि लिक्विड से सेकेंडरी व्यूज पास नहीं हो सकती है, राइट। और ये लिक्विड स्टेट आउटर पार्ट ऑफ कोर में मिलता है, जबकि इनर पार्ट जो है ना वो सॉलिड स्टेट में है। और इनर पार्ट में टू एलिमेंट्स मोस्टली फाउंड होते हैं, एक तो निकल एंड दूसरा है फेरस। तो इसी से निकल का Ni और फेरस का Fe, तो नाइफ बोलते हैं इसको आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट जो है सॉरी इनर पार्ट जो कि आप देख रहे हो कौन सरी दैट कॉर्नर, दिस पार्ट इज नोन एज नाइफ बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम निकल एंड फेरस एंड मोस्टली इट इज इन सॉलिड स्टेट, जबकि आउटर पार्ट ऑफ कोर लिक्विड स्टेट में है, इनर पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट में। और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन में है, हर जगह सेम। और एज आई सेड दैट द टेम्परेचर इन साइड एज वी मूव डाउन, जितना हम गए डीप में जाएंगे टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। सो डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर एंड इनर कोर गिव्स राइज टू वर्टिकल करंट्स,
जो डिफरेंस है अपर, क्योंकि इनसाइड में इनर कोर में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और अपर कोर में कम रहेगा, दैट डिफरेंस गिव्स राइज टू अर्थ रोटेशन, गिव्स देम एडी सर्कुलर मोशन, राइट, राइज टू वर्टिकल करंट. वर्टिकल करंट प्रोड्यूस होता है जो कि गिव्स देम एडी करंट. एडी मतलब सर्कुलर मोशन. एंड इलेक्ट्रिक करंट डेवलप्स इन दिस स्पायरल एडीज ऑफ लिक्विड आयरन एंड दस, क्योंकि ऊपर का जो आउटर कोर है लिक्विड स्टेट में है, एडीज ऑफ लिक्विड आयरन एंड दस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. सो दैट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लीड टू द करंट डेवलपमेंट एंड दैट डेवलपमेंट्स एडीज ऑफ लिक्विड आयरन एंड दस मैग्नेटिक, क्योंकि आयरन से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड पूरी जनरेट हो जाती है. एंड इट्स समटाइम कॉल्ड द जियो डायनोमो टू, इसको जियो डायनोमी भी बोलते हैं. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज फंक्शनल इवन आउटसाइड द अर्थ सर्फेस ऑफ द क्वाइट अ डिस्टेंस. सो इसके ही नतीजे में एज अ रिजल्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सोलर विंड्स, राइट. सोलर विंड्स और द एटमोसफियर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोलर विंड्स कमिंग फ्रॉम द सन्स, क्योंकि बहुत से नुकसान हो सकता है अर्थ सर्फेस को सोलर विंड के जरिए. तो उस नुकसान से दैट लॉस फुलफिल एंड कवर्ड दैट, उस लॉस से उस नुकसान से वी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोलर विंड्स हार्शनेस ड्यू टू दिस मैग्नेटो फील्ड कमिंग फ्रॉम द सन. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटो स्पीयर एंड वी कैन से दिस इज द फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट स्पीयर ऑफ द अर्थ. सो एट द लास्ट, वट इज द वर्ल्ड अर्थ डे? 22 अप्रैल, हर साल एवरी ईयर 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को वी सेलिब्रेट द अर्थ डे. एंड वाई इट इज सेलिब्रेट, इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यूनिट टू गिव, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना चाहिए. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो इसके बाद जो हमारा पार्ट, ये पार्ट वन था, तो पार्ट टू को भी देखना ना भूले. इन पार्ट टू आई विल कवर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है, मैं सब पार्ट टू में विद इन अ 10 to 12 minutes आई विल एक्सप्लेन इट. सो उसके बाद आपको PDF भी मिलेगा पार्ट टू में, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगी आपको. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल अब्बास अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल.